शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग साफ और स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि भदोही जनपद ज्ञानपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय वारी में पिछले एक साल से शौचालय क्षतिग्रस्त होने के कारण सोम्या सहित 225 बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपके विद्यालय में क्या समस्या हुआ? आपके विद्यालय में क्या समस्या? हमारे विद्यालय में समस्या है कि हम लोग बाहर जाते हैं शौचालय के लिए, यहाँ पर साफ नहीं है शौचालय का, शौचालय टूट गया है। बाहर जाने में कोई टीचर पढ़ाता है तो मेरी समय बर्बाद होता है। हमारे विद्यालय में समस्या मुख्य रूप से तो शौचालय की है। शौचालय इस समय खराब हो गया है, जिससे बच्चों को और उसके साथ सभी अध्यापकगण को शौच के लिए दिक्कत होती है। बच्चे बाहर जाते हैं तो वहाँ पड़ोस के व्यक्ति जो है खेत में नहीं बैठने देते, डांटते हैं बच्चों को। ये लगभग 4-5 माह पहले से ये खराब है। बार बार विभाग को कहा गया लेकिन कोई समुचित कार्रवाई नहीं हो पाई। हमारे विद्यालय में से कोई विशेष समस्या नहीं है, जो एक मेन समस्या है वो शौचालय की है। शौचालय लगभग एक वर्ष से टूट गया है, उसकी सीट भी टूट गई है, छत भी लगभग टूट गया है। इसलिए बच्चों को, अध्यापकों को, सभी को बड़ी समस्या होती है। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ नामांकित 225 हैं। तो आपने शौचालय बनाने का कोई प्रयास किया? हमने लिख के दिया विभाग को कि भाई प्राथमिक विद्यालय का शौचालय टूट गया है, कार्रवाई नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ग्राम प्रधान के स्तर से काम होगा। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस शौचालय की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप भदोही जिले के BSA जिनका मोबाइल नंबर 94-53-00-41-99 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इन बच्चों की समस्या दूर हो सके। मैं अनिल कुमार, भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहद के लिए।